हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों आप सभी का रोज की तरह इस शो के अंदर स्वागत है, जहां पर मैं कुमार संभव आप सभी को करंट अफेयर्स के एक दौर एक सफर के ऊपर ले चलता हूं, जहां पर करंट अफेयर्स को आसान बनाने की कोशिश की जाती है। करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय जो आने वाले सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा नंबर जिसे लेना बहुत आसान है, बशर्ते आपको सारे क्वेश्चंस और सारे न्यूज जो हैं वो याद होने चाहिए, टिप्स भी होने चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस शो के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको न्यूज को खबरों को बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया जाए कि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बहुत बहुत बेनिफिट हो उसका। तो अगेन जुड़ जाइए हमारे साथ और इस करंट अफेयर्स के इस सफर की तरफ चल पड़ते हैं, जहां पर हमने क्या किया है तो न्यूज को बांट दिया है कुछ खेमों के अंदर और कुछ वर्गों के अंदर, जैसे नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स की खबरें, बैंकिंग बिजनेस की खबरें, अपॉइंटमेंट की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज की खबरें, इस तरह से जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी हम आपके सामने उसे प्रस्तुत करेंगे, उसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे और अंत में आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी होगा, तो प्रश्न और उत्तर उसी सेशन से पूछ लिया जाएगा, ठीक उसी फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में जैसा पेपर में आता है, तो इससे बेस्ट रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो जीके इज ऑल अबाउट, करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट हाउ यू रिवाइज द थिंग्स। तो आप किस तरह से चीजों को रिवाइज करते हैं, किस तरह से चीजों को आप याद करते हैं, उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार फिर से मैं अपने अंदाज में कह दूं सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, जितने भी व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे हैं जो रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये जो हमारा परिवार है जो इतने दिनों से चला आ रहा है इसको और बड़ा बनाना है, जिससे कंपटीशन की भावना हम सभी के अंदर आए, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना, स्वस्थ प्रतियोगिता जिसे कहते हैं उसकी भावना जरूर उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस और क्वायरीज और सजेशंस जो है कमेंट्स के तौर पर, लाइव चैट के तौर पर दिखती रहती हैं। तो जल्दी से इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर दीजिए और बढ़ चलते हैं हम अपने न्यूज की तरफ, न्यूज सेगमेंट की तरफ। तो यहाँ पे 30th मार्च, 30 मार्च और पुरानी जितनी भी खबरें हैं एक दो दिनों की, उसे हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा हमारा इंडिया हमारा भारत, तो भारत की ताजा खबरें, नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबरें। तो पहले न्यूज की तरफ चलते हैं, आपके व्यूज भी जरूर जानेंगे, आपके कमेंट्स भी जरूर जानेंगे। अगेन सभी को गुड मॉर्निंग और जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हमारा मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूज को कवर करना, खबरों को कवर करना। तो राष्ट्रीय खबर की पहली न्यूज की तरफ चलते हैं, सीसीईए अप्रूव्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। तो सीसीईए शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की निरंतरता को मंजूरी दिया। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑन एजुकेशन लोन, तो शिक्षा ऋण के ऊपर, एजुकेशन लोन के ऊपर क्रेडिट गारंटी स्कीम को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, तो देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन स्कीम एंड कॉन्टिन्यूशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 6600 करोड़ रुपीज फ्रॉम 2017-18 टू 2019-20। तो यहां पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम मतलब शिक्षा ऋण के ऊपर एक क्रेडिट गारंटी। तो क्रेडिट गारंटी क्या चीज होती है, तो यह समझना जरूरी है कि देखिए, शिक्षा लोन और जब एजुकेशन लोन की बात आती है तो उसका एनपीए होना भी कई बार हो जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, बैंकों के ऐसे एसेट्स, बैंकों की ऐसी संपत्ति जो बैंकों के लिए परफॉर्म नहीं कर रही है, उसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर हायर होगा किसी भी बैंक का, तो बैंक उतना ज्यादा लॉस में होगा, मतलब जितना ज्यादा एनपीए होगा बैंक उतना ज्यादा लॉस में होगा। और एनपीए बहुत से कारणों से क्रिएट हो सकता है, तो एनपीए के एक कारण जो है क्रिएट होने का, वो है लोन की अदायगी ना करना, लोन को ना चुकाना। तो 90 दिनों के पीरियड के लिए, 90 डेज, 90, तो 90 दिनों के पीरियड के लिए अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी ना जाए तो उससे एनपीए क्रिएट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट होता है। तो यहां पे क्रेडिट गारंटी फंड, तो सरकार एक तरह से गारंटी देती है
कि आप अगर बैंक अगर लोन देने के लिए पार्टिसिपेट करेगा स्टूडेंट्स को और अगर कहीं एनपीए क्रिएट होता है तो इतनी क्रेडिट गारंटी जो है हम जरूर लेते हैं. तो उसके लिए कितना आउटले दिया है, 6600 करोड़ का दिया है. तो ये जरूरी है जानना कि हमारे इंडिया में शिक्षा लोन एजुकेशन लोन को और बूस्ट किया जा सके, छात्र इसके लिए हमेशा तत्पर रहे कि एजुकेशन लोन लेकर हम हायर स्टडी कर सके. तो जिसके लिए बैंकों का पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है और यहां पर बैंकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एक जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है उसको उन्होंने चालू रखा है, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा है विद द आउटले ऑफ रुपीज 6600 करोड़. तो सीसीए आल्सो अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू फॉर्मुलेट एन इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन. इसके अलावा इस क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के कंटिन्यूशन के अलावा एक इंटीग्रेटेड स्कीम को भी लॉन्च किया है बाय सबसमिंग सर्व शिक्षा अभियान. तो उन सभी को मिला दिया है, इंटीग्रेट किया है सर्व शिक्षा अभियान जो राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करता है, देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2020 एंड एस्टिमेटेड एलोकेशन ऑफ 75,000 करोड़ रुपीज. और इसके लिए 75,000 करोड़ का एक अनुमानित खर्चा जो है, एक लागत जो है वो दिया गया है, हैज बीन अप्रूव्ड फॉर दिस विच इज अ 20% इंक्रीज ओवर द करंट एलोकेशन. तो जो करंट एक अभी एट प्रेजेंट जो आवंटन था उससे 20% या अधिक. तो यहां पर जिस चीज के लिए हम यहां पर बैठे रहते हैं, जिस चीज को हम रोज सुबह 8 बजे डिलीवर करते हैं वो है एजुकेशन. तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा न्यूज जिसको आज हमने अपने पहले न्यूज के तौर पर डिस्कस किया है. उम्मीद करता हूं कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा. और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेट्स राजस्थान्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन अजमेर. तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हरसिमरत कौर बादल जी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं वो. तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो फूड से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी मंत्री कौन है, हरसिमरत कौर बादल जी. तो हरसिमरत कौर बादल जी ने राजस्थान के अजमेर में पहला मेगा फूड पार्क खोला. अभी कुछ एपिसोड पहले हमने महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंदर मेगा फूड पार्क की बात करी थी, अभी राजस्थान के अजमेर में वही मेगा फूड पार्क जो है, पहला राजस्थान का मेगा फूड पार्क कहां पे खुला है, अजमेर में. तो हरसिमरत कौर बादल अजमेर के रूपनगढ़ गांव में राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करेंगी. तो देखिए ये तस्वीर आपको दिख रही है जहां पे हरसिमरत कौर बादल जी आपको दिख रही होंगी. तो इन राजस्थान यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ द स्टेट एट रूपनगढ़ विलेज नियर अजमेर. तो वो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर के अंदर खोला गया. द फूड पार्क इज सेटअप एट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 113.57 करोड़, मतलब 113.5 करोड़, एंड विल बेनिफिट अराउंड 25,000 फार्मर्स इन अजमेर एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट. देखिए यहाँ पे मेगा फूड पार्क के अंदर क्या होता है, एक बड़ी सी मंडी कह सकते हैं आप, और एक बड़ा सा मेगा फूड पार्क जहां पर किसान जितने भी फार्मर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मतलब किसानों के आढ़ती जिसे हम कहते हैं, एजेंट जिसे कहते हैं, व्यापारी जिसे कहते हैं, वो सभी एक ही जगह पर मिल जाते हैं जहां पर किसानों को अपने फसल को बेचने में बहुत सुविधा होती है और उनको उचित मूल्य और उचित दाम भी मिलता है. तो इससे 25,000 फार्मर्स को फायदा होगा और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को भी फायदा होगा अजमेर के साथ साथ. सेंटर हैज गिवन द 50 करोड़ रुपीज सब्सिडी फॉर दिस प्रोजेक्ट. तो यहां पे गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तरफ से भी सब्सिडी दिया. सब्सिडी का मतलब ये होता है सरकार की तरफ से एक सपोर्ट राशि. देखिए किसी भी गुड्स के प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, किसी भी वस्तु के प्राइस को स्थिर रखने के लिए सरकार के तरफ से दी जाने वाली सहयोग राशि को हम सब्सिडी कहते हैं. और सरकार ने सब्सिडी कितनी दी है, 50 करोड़ की दी है. और मेगा फूड पार्क वुड अट्रैक्ट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 250 करोड़ इन अबाउट 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द पार्क एंड टू अ टर्नओवर अबाउट 500 करोड़ रुपीस पर एनम. तो यहां पर मुझे पता है स्टूडेंट्स जो है राजस्थान के क्विक फैक्ट्स बता रहे होंगे और आपको सही में राजस्थान के क्विक फैक्ट्स के बारे में बताना है. राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से. बहुत पहले यूपी का स्थान आता था क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, लेकिन बाय एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. और राजस्थान के अंदर ये मेगा फूड पार्क खुला है. तो राजस्थान के क्विक फैक्ट्स के बारे में बताइए, जैसे कैपिटल, उनके गवर्नर का नाम और उनके सीएम का नाम. तो ये आपको याद रखना है यहां से कीवर्ड कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा राजस्थान के अजमेर में
मेगा फूड पार्क जो है वो खोला गया। तो आगे बढ़ते हैं और स्टेटिक जीके जो है राजस्थान, हरसिमरत कौर बादल इज एमपी फ्रॉम बठिंडा। तो कहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चुनाव क्षेत्र क्या है हरसिमरत कौर बादल जी का, बठिंडा पंजाब। कल्याण सिंह इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के गवर्नर राज्यपाल कौन, कल्याण सिंह, और सीएम चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे। तो यहां पे बहुत बढ़िया, वसुंधरा राजे सिंधिया एग्जैक्टली द आंसर। कैपिटल इज जयपुर, बहुत पिंक सिटी जिसे हम बोलते हैं जयपुर इज टू बी नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो वसुंधरा राजे इज द सीएम, कल्याण सिंह इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, जयपुर इज द कैपिटल। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। और मैं यहाँ पर आपके व्यूज देखने की कोशिश कर रहा हूं कि और कौन कौन से स्टूडेंट्स के क्या क्या व्यूज आए हैं। चलिए चलिए यहां पे सभी स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए मैं बहुत ही सिंपल चीज बोलता हूं यहां पर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही कोऑपरेशन और सहयोग कोऑर्डिनेशन के साथ यहां पर पार्टिसिपेट करिए। देखिए एक सिंपल सी बात है कि जिसने सीखना है वो सीख लेगा, जिसने जानना है वो जान लेगा, ठीक है। तो यहां पे जीके जनरल नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एक चीज है, यहां पर स्कूल टाइम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारी बातें होती थी, जो बातें आज हम यहां पे पढ़ रहे हैं ये सारी बातें स्कूल टाइम्स में भी होती थी। लेकिन अगर आपको जिंदगी में दो चीजों का मतलब पता लग जाएगा, दो चीजों के बीच में अंतर पता लग जाएगा, तो जिंदगी में आप सीख जाइएगा, और वो दो शब्द है मजबूरी और जरूरत। तो देखिए मजबूरी और जरूरत में फर्क समझिएगा। तो स्कूल टाइम्स में उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना मजबूरी थी, लेकिन आज जो हम यहां पर बैठे हैं ये हमारी जरूरत है। तो जिस दिन आप मजबूरी और जरूरत के बीच में फर्क समझ जाइएगा, तो यहां पर आप टाइम पास नहीं करने आइएगा, यहां पर पढ़ने के लिए आइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले खबर की तरफ चलता हूं। तो नीति आयोग लॉन्चेस बेसलाइन रैंकिंग ऑफ 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो नीति आयोग ने 115 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए बेसलाइन रैंकिंग जारी करी है। तो नीति आयोग के बारे में जितने क्विक फैक्ट्स हैं जल्दी जल्दी बता दीजिए। मुझे पता है कि पिछले एपिसोड्स में नीति आयोग के बारे में बहुत बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं प्लीज यहां पर नीति आयोग की डिटेलिंग कर दीजिए। तो नीति आयोग ने लॉन्च क्या किया, बेसलाइन रैंकिंग 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स महत्वाकांक्षी जिलों के लिए। तो यहां पर उन्होंने रैंकिंग जारी करी है कि आने वाले टाइम में शहरों को रैंक किया जाएगा, शहरों की सूची निकाली जाएगी। और नीति आयोग हैज लॉन्च द बेसलाइन रैंकिंग ऑफ 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बेस्ड ऑन 49 इंडिकेटर्स। तो 49 इंडिकेटर्स हैं, उनके आप कह सकते हैं कि जो मूल तत्व जो रखे गए, इंडिकेटर्स जो रखे गए हैं अक्रॉस 5 सेक्टर्स। तो 5 क्षेत्रों के अंदर 49 इंडिकेटर्स के ऊपर इनकी रैंकिंग की जाएगी। और वो 5 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, हेल्थ और न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण जिसे कह सकते हैं, एजुकेशन शिक्षा, एग्रीकल्चर कृषि एंड वाटर रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जल संसाधन आपका कितना स्ट्रांग है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बैंकिंग इंक्लूजन, मतलब आपके उन क्षेत्रों के अंदर जहां पर बैंकिंग सुविधा नहीं थी वहां पर बैंकिंग सुविधा कितनी है, और स्किल डेवलपमेंट, आप कितने दक्ष हैं वहां पर, स्किल कितने हैं, आपको कितना काम आता है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सभी चीजों को यहां पर जोड़ा गया है। और जिससे रैंकिंग निकाली जाएगी 115 शहरों की, और आने वाले समय में ये क्वेश्चन भी बनेगा पेपर के अंदर। तो दिस वुड बी फॉलोड बाय डेल्टा रैंकिंग ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम मई 2018 बेस्ड ऑन देयर इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। तो यहां पर उस रैंकिंग के अनुसार वो डेटा जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, और इन शहरों की रैंकिंग निकाली जाएगी इन 5 सेक्टर्स के ऊपर। तो यहां पर सभी स्टूडेंट्स जो है आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एग्जैक्टली, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जो है वो बना प्लानिंग कमीशन को योजना आयोग को अबॉलिश करके। तो योजना आयोग जो 1950 में बना था और 1951 में फर्स्ट प्लान आया था हमारे इंडिया का, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने सेटअप किया था, तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने आते ही प्लानिंग कमीशन के अंदर कुछ खामियों को बताते हुए उसे बंद कर दिया, और 1 जनवरी 2015 को उन्होंने सेटअप किया नीति आयोग। और नीति आयोग का भी सेटअप कुछ उसी तरह से लिखा, लेकिन उसको और थोड़ा एक्सटेंसिव किया उन्होंने, और नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन की तरह ही नीति आयोग के चेयरमैन कौन होंगे, तो पीएम प्राइम मिनिस्टर होंगे। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट। और उसके बाद सीईओ का नाम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम अमिताभ कांत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ लॉन्चेस पोर्टल फॉर पेंशनर्स। तो यहां पे ईपीएफओ ने एक पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए। तो ईपीएफओ ने पेंशनरों के लिए पोर्टल शुरू किया, मतलब पोर्टल वेबसाइट शुरू किया पेंशनरों के लिए, कि उनको बहुत आसानी हो जाए, उनको जितने भी काम होंगे पेंशन से रिलेटेड ईपीएफओ के वेबसाइट के ऊपर, वो उन्हें बिल्कुल आसान लगे। तो ईपीएफओ हैज लॉन्च द पेंशनर्स पोर्टल थ्रू विच ऑल ईपीएफओ पेंशनर्स में गेट द डिटेल्स ऑफ पेंशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो पेंशन से जुड़ी तमाम जानकारी इस पोर्टल के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर दी जाएगी, जिससे पेंशनरों को बिल्कुल सहायता मिलेगी। द पेंशनर्स पोर्टल इज अ रिसेंटली लॉन्च सर्विस वेयर डिटेल्स लाइक पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स होंगी, तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर होगा, पेमेंट ऑर्डर डिटेल्स होंगे, भुगतान का जो ऑर्डर आदेश होगा उसकी डिटेल्स होंगी, पासबुक इंफॉर्मेशन भी होंगी, एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, जो पेंशनर्स के लिए बिल्कुल सहायता देंगी। वो सारी सूचनाओं को वहां पर एकत्रित किया जाएगा। और इनहैंस ट्रैक ई केवाईसी facility for the convenience of members have also been launched to check the status of Aadhaar seeded against their UAN. तो यहाँ पर tracking के लिए eKYC, electronic know your client, know your customer, एक tracking की सुविधा उत्पन्न की जाएगी, जहाँ पर वो अपने आधार नंबर को देख सकते हैं, check कर सकते हैं अपने UAN के साथ। UAN stands for Universal Account Number. Universal Account Number आधार से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, उसकी जांच भी वो ऑनलाइन ट्रैकिंग के जरिए कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी जो है ईपीएफओ के कौन से वेबसाइट पे उपलब्ध होगी, तो www.epfindia.gov.in। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जरूर चलेंगे, लेकिन स्टैटिक जीके की तरफ चलेंगे, ईपीएफओ के बारे में जान लेते हैं। इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ईपीएफओ के सीईओ को क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और अभी कौन है, करंटली कौन है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डॉक्टर वीपी जॉय इज द प्रेजेंट सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। द हेड ऑफिस ऑफ ईपीएफओ इज इन न्यू दिल्ली। और इसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहां पर है ईपीएफओ का, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसके साथ अगली खबर, इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ बढ़ेंगे और अंतरराष्ट्रीय खबरों को जानेंगे। और कुछ और सेगमेंट्स रह गए हैं, और उसके बाद आपके फेवरेट जोन की तरफ आपको ले चलेंगे, जहां पर क्विज को हम अटेंड करेंगे, प्रश्न और उत्तर का दौर चलेगा आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ। तो जल्दी जल्दी, टेक्निकल टीम की तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि आप जल्दी जल्दी इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। तो अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय खबर की तरफ, सेशेल्स। देखिए, कई स्टूडेंट्स से चिलीज बोलते हैं या अलग अलग प्रोनंसिएशन करते हैं, लेकिन एक देश जो है, एक महाद्वीपीय देश कह सकते हैं, एक द्वीपीय देश कह सकते हैं, आइलैंड कंट्री कह सकते हैं, सेशेल्स। तो सेशेल्स ऑपोजिशन कोलिशन विच होल्ड्स अ मेजॉरिटी इन सेशेल्स पार्लियामेंट स्टेटेड दैट इट वुड नॉट रेटिफाई अ डील साइंड विद इंडिया टू बिल्ड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इट्स अजम्पशन आइलैंड। तो 2015 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने सेशेल्स का दौरा किया था, उस दौरे के अंदर वहां पर मिलिट्री बेस बनाने की बात करी थी, लेकिन अभी रिसेंटली सेशेल्स के पार्लियामेंट के विपक्ष के गठबंधन ने इसको रेटिफाई करने से, मंजूरी करने से, मंजूरी देने से मना कर दिया है। तो सेशेल्स ने भारत के साथ सैन्य समझौते को ब्लॉक किया और उसको मना कर दिया, रेटिफाई करने से, मंजूरी देने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अग्रीमेंट ऑन अजम्पशन आइलैंड प्रोजेक्ट इन सेशेल्स वाज साइंड इन 2015 ड्यूरिंग इंडियन पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू सेशेल्स। जैसा मैंने बताया, 2015 में नरेंद्र मोदी के मतलब दौरे के ऊपर इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था, और एक सैन्य, आप कह सकते हैं कि आइलैंड बनाने की बात करी थी, एक अजम्पशन आइलैंड प्रोजेक्ट की बात करी थी, जहां पर हमारा एक सैन्य टुकड़ी जो है वहां पर उस अजम्पशन आइलैंड के ऊपर जाती और हमारा एक शिविर बनता वहां पर, लेकिन उस चीज को मंजूरी नहीं दी गई है, उसका कारण भी जरूर बताऊंगा। हाउएवर, ओइंग टू ऑपोजिशन अ रिवाइज्ड अग्रीमेंट इंक्लूडिंग सेवरल अमेंडमेंट्स वाज प्रिपेयर्ड इन जनवरी 2018। तो विरोध के बाद जनवरी 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे इसके अंदर, कि अमेंडमेंट्स के बाद आप इसको मंजूर कर लीजिए, लेकिन फिलहाल फाइनली जो है
ऑपोजिशन ने रेटिफाई करने से मंजूर कर दिया है और नाउ द ऑपोजिशन इज नॉट रेडी टू रेटिफाई इट एज इन पास्ट फ्यू मंथ्स देयर हैज बीन पब्लिक प्रोटेस्ट इन सेशेल्स अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फियर दैट इंडिया वुड अप्रोप्रिएट द अजम्पशन आइलैंड. तो यहां पर लोगों के डर के कारण भी और भी बहुत सारे कारण के जो कारण है उसके कारण यहां पर इस चीज को वापस ले लिया गया. तो ये बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया और सेशेल्स के बीच में जो एक अजम्पशन आइलैंड का मिलिट्री अजम्पशन आइलैंड का मिलिट्री शिविर का जो एक समझौता हुआ था उसको सेशेल्स की पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया है, नामंजूर कर दिया है. अब गौर करने वाली बात यह है कि एक सामरिक दृष्टि से एक डिप्लोमेटिक व्यू से अगर हम देखें तो यह समझौता क्यों था ऐसा, तो इंडिया और चाइना, ध्यान देने योग्य बात है यहां पर और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यह सुनने वाली बात है कि चाइना एक ऐसा देश है जो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है. देखिए वो जमाना गया जब वार होंगे कंट्रीज के बीच में, डायरेक्ट वॉर जो है वो अब होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि कंट्रीज को पता है कि अगर डायरेक्ट वॉर होगा तो बहुत इकोनॉमिक लॉस होगा. तो यहां पर डिप्लोमेटिकली किस तरह से जीता जाए, इकोनॉमिकली किस तरह से जीता जाए इसके ऊपर जोर दिया जाता है और चाइना एक ऐसा देश है जो भारत को चौतरफा घेरना चाहता है, चारों तरफ से घेरना चाहता है. तभी वो नेपाल के साथ दोस्ती करता है, तभी वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करता है, तभी वो भूटान के अंदर डोकलाम विवाद को जन्म देता है, तभी वो बांग्लादेश श्रीलंका को सपोर्ट करता है और उसी फेहरिस्त के अंदर, उसी लिस्ट के अंदर सेशेल्स जैसे जो देश है, तो सेशेल्स एक ऐसा देश है जो आइलैंड देश है. और जो छोटे छोटे देश होते हैं वो इसी तरह से बड़े देशों को ब्लैकमेल करते हैं. और वो किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं, इंटरेस्टिंग सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. वो ब्लैकमेल किस तरह से करते हैं, तो सेशेल्स और भारत की दोस्ती बड़ी पुरानी, लेकिन जब चाइना ने उसे लालच दिया कि हम आपके यहां पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सेशेल्स चाइना की तरफ हो गया. मतलब सेशेल्स और ऐसे छोटे देश जो है ठीक सरकारी ऑफिस के अंदर उस चपड़ासी की तरह है, जिसको जिसने ज्यादा पैसा दे दिया वो चपड़ासी उसकी तरफ हो गया घूस लेकर. तो यहां पर सेशेल्स जो है उन्होंने यही किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर बहुत अच्छा मूव किया था 2015 में सेशेल्स का दौरा करके, लेकिन अब उस दौरे के ऊपर भी पानी फिर गया है जहां पर सेशेल्स ने उनके सैन्य शिविर को बिल्कुल नामंजूर कर दिया है. तो अब देखते हैं कि इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन यह खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट खबर है. और सेशेल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. सेशेल्स की कैपिटल इज विक्टोरिया और सेशेल्स की करेंसी इज सेशेल्स रूपी, रूपी इज द करेंसी ऑफ सेशेल्स. करंट प्रेसिडेंट इज डैनी फॉरे. अदर नियर बाय आइलैंड कंट्री इज कॉमोरोस, मॉरिशियस, मेडागास्कर. तो अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है मेडागास्कर के भी दौरे पे गए थे. तो यही मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत भी डिप्लोमेटिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से अलग अलग देश जाकर और छोटे छोटे देश जाकर अपने सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करता है, मिलिट्री बेस, नेवल बेस, एयर बेस को बढ़ाने की कोशिश करता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई भी संकट उत्पन्न होता है तो उन देशों की सहायता ली जा सकती है, उन देशों का एक बेस का सपोर्ट लिया जा सकता है. तो जरूर आपको यह खबर समझ में आई होगी. अगली खबर की तरफ चलते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज, बैंकिंग तथा वित्त समाचार. तो यहां पर बढ़ेंगे आरबीआई, बहुत बड़ी न्यूज. आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोजेस रुपीज 58.9 करोड़ पेनल्टी ऑन आईसीआईसीआई बैंक. तो आपको क्या याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर 58.9 करोड़ का, ऑलमोस्ट 59 करोड़ का एक पेनल्टी इंपोज किया है. तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया. तो जल्दी से मुझे आईसीआईसीआई बैंक की डिटेलिंग बता दीजिए, क्विक फैक्ट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में और मैं आपके कमेंट का यहां पर बहुत इंतजार कर रहा हूं. तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ने आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया. क्यों लगाया? तो आरबीआई हैज इंपोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 58.9 करोड़ ऑन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इश्यूड बाय द आरबीआई ऑन डायरेक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम इट्स हेल्ड टू मैच्योरिटी पोर्टफोलियो एंड स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर इन दिस रिगार्ड. तो देखिए आरबीआई ने अपने दिशा निर्देश का ना पालन करने के लिए, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, अनुपालन करना, और नॉन कंप्लायंस का मतलब उसका अनुपालन नहीं करना. तो आरबीआई की तरफ से सिक्योरिटीज, शेयर्स, पोर्टफोलियोज
और जितने भी प्रतिभूतियां हैं उसको बेचने का जो दिशा निर्देश दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, उस दिशा निर्देश को सही तरीके से पालन ना करने के कारण आरबीआई ने उनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई है. और सेंट्रल बैंक स्टेटेड दिस पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड विद द आरबीआई अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. और आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये जुर्माना लगाया है, टेकिंग इनटू अकाउंट फेलियर ऑफ द बैंक टू एडहर टू इट्स डायरेक्शन और गाइडलाइंस. और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है कि अगर आप आरबीआई के रूल्स, डायरेक्शंस और गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करोगे तो आरबीआई आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है. एग्जैक्टली यहां पर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जो मैं यहां पर डिटेलिंग चाहता हूं, और आप सभी का यहां पर आंसर जो है बिल्कुल सही है. और ये आपके सामने स्टैटिक जीके का क्विक फैक्ट्स अबाउट आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. चंदा कोचर इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. चंदा कोचर जो है जिनके ऊपर रिसेंटली एक एलिगेशन लगा है, आज का न्यूज़पेपर आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि चंदा कोचर के हस्बैंड को फायदा पहुंचाने के लिए, चंदा कोचर के हस्बैंड को फायदा पहुंचाने के लिए थ्रू वीडियो कॉन एक घोटाला हुआ है, जहां पर वीडियो कॉन और चंदा कोचर के हस्बैंड ने आईसीआईसीआई का पैसा वापस नहीं किया. तो बहुत न्यूज में है आईसीआईसीआई बैंक, तो आने वाले पेपर्स में जरूर पूछा जा सकता है. और हेडक्वार्टर्स कहां पे है आईसीआईसीआई बैंक का, मुंबई के अंदर. तो जल्दी से इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है. और अगर आप आज के लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके. इसी के साथ अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, नियुक्तियों की तरफ बढ़ेंगे. और देखते हैं पहली खबर, एससी अपॉइंट्स जस्टिस जावेद रहीम एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो देखिए एनजीटी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है जस्टिस जावेद रहीम को एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो यहां पर एज एन एक्टिंग मतलब जब तक परमानेंट चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट नहीं हो जाते हैं तब तक एक्टिंग के तौर पर जस्टिस जावेद रहीम जो है वो रहेंगे इस पद के ऊपर. जस्टिस स्वतंत्र कुमार जो रिटायर हो चुके थे, फॉर्मर वो वहां पर जस्टिस जो थे चेयरपर्सन, चेयरमैन थे एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, उनकी रिटायरमेंट के बाद वो पोस्ट खाली था. तो यहां पर एक पद भरने के लिए, पोस्ट भरने के लिए जस्टिस जावेद रहीम को अपॉइंट किया गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति जावेद रहीम को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. जस्टिस जावेद रहीम इज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ही विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी अंटिल अ रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड. जब तक रेगुलर और परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं मेड की जाती है तब तक जावेद रहीम जी इनके एक्टिंग चेयरपर्सन रहेंगे. ही विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अदर मेंबर ऑफ द एनजीटी. हाउएवर इट हैज बीन मेड क्लियर दैट द अपॉइंटमेंट इज एन इंटरिम अरेंजमेंट एंड अ रेगुलर अपॉइंटमेंट विल बी मेड सून फॉर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ एनजीटी. तो ये कहते हैं कि अभी सिर्फ ये एक अरेंजमेंट किया गया, इंटरिम अंतरिम अरेंजमेंट है, लेकिन अभी रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है एनजीटी की चेयरमैन की जरूर की जाएगी. अबाउट एनजीटी की बात करें तो आर्टिकल 21 हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर 2009-10 के अंदर एक बिल पेश किया गया था हमारे लोकसभा राज्यसभा के अंदर. और 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो अस्तित्व में आता है. लोकेशन इसका न्यू दिल्ली में है. पर्पस क्या है, इफेक्टिव एंड फास्ट डिस्पोजेबल ऑफ केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटेड टू एनवायरमेंट. तो यहां पर ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, तो आपको एक चीज बता दूं कि 2009-10 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया, लेकिन किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B, 42nd अमेंडमेंट 1976. तो 42वां संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उस संशोधन से एक ट्रिब्यूनल नाम की एक चीज भी हमारे एग्जिस्टेंस में आई थी. मतलब कि जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं, उसमें केसेस का अंबार लग गया, उसके अंदर केसेस की भरमार हो गई, और वहां पर केसेस का बर्डन बढ़ने से स्पेशलाइज्ड केसेस और स्पेशलाइज्ड मैटर को ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा. तो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड और जितना भी आप कह सकते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी के सभी मामले कहां जाएंगे, एनजीटी के पास जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे. और इसके अभी एक्टिंग चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो जावेद रहीम नाम के जस्टिस को एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है. तो जरूर राहुल अगली अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, अगली नियुक्ति की तरफ बढ़ेंगे. एनजीटी के चेयरमैन का नाम जस्टिस जावेद रहीम. उसके बाद राहुल द्रविड़ अपॉइंटेड स्टेट इलेक्शन आइकन फॉर कर्नाटका असेंबली पोल.
तो देखिए कर्नाटका में जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, जो फोर्थ कमिंग इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कर्नाटका इलेक्शन को लेकर राहुल द्रविड़ को वहां का आइकन बनाया गया है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा सके कि वो वोट करें, राइट टू वोट का इस्तेमाल करें। तो कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए राहुल द्रविड़ राज्य चुनाव आइकन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, चिन्ह के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कास्ट योर वोट की आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो राहुल द्रविड़ स्टेट इलेक्शन आइकन फॉर कर्नाटका असेंबली पोल। संजीव कुमार सेड दैट डिसेबल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल बी अपॉइंटेड एज पोलिंग स्टाफ इन सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस। ही एडेड दैट 450 ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशंस विल बी सेट अप। तो इस तरह से और भी अनाउंसमेंट की गई, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि राहुल द्रविड़ को कर्नाटका स्टेट इलेक्शन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कि लोग राइट टू वोट की तरफ और वोटिंग राइट की तरफ जागरूक हो सके और अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। और ये जो इलेक्शंस हैं वो कब होंगे, तो यहां पर इलेक्शंस 12 मई को होने जा रहे हैं और जिसका जो वोटिंग काउंटिंग कब होगी 15 मई को। तो 12 मई में ये इलेक्शन होंगे जिसमें राहुल द्रविड़ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो स्टैटिक जीके अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के अंदर हम भारतीय चुनाव आयोग की बात करते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो एक संवैधानिक बॉडी है। तो यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो यहां पर तीन तरह के लोग होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और उसके बाद दो चुनाव आयुक्त, उनके सबॉर्डिनेट, उनके सहायक, दो इलेक्शन कमिश्नर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ओम प्रकाश रावत, ओपी रावत, और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है, सुनील अरोड़ा एंड अशोक लवासा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद बढ़ते हैं हम साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक की तरफ। और विज्ञान तकनीक की सबसे बड़ी खबर, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस GSAT-6A कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इंडिया ने अपना रिसेंटली GSAT-6A कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो भारत के सफलतापूर्वक GST-6A कम्युनिकेशन सैटेलाइट का शुभारंभ किया। तो GSAT-6A, तो देखिए GSAT-6A सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, दूरसंचार के अंदर और तमाम मौसम की जानकारियों के लिए यह सैटेलाइट बहुत उपयोगी होगा, जिसको इसरो ने रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो इसको GSLV कैरिंग द GSAT-6A कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसरो का हेडक्वार्टर नो डाउट बेंगलुरु में है, लेकिन इसरो के जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो कहां से प्रक्षेपित किए जाते हैं, कहां से टेस्ट फायर किए जाते हैं, तो वो श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से सारे के सारे सक्सेसफुली लॉन्च किए जाते हैं। टुडेज लॉन्च एड्स अनदर फेदर इन इसरोस कैप एज इट इज मास्टरिंग द टेक्निक ऑफ मेकिंग होममेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये इंडिजीनियस स्वदेशी निर्मित सैटेलाइट है जिसको इसरो ने छोड़ा है। और GSLV मार्क 2 कैरिंग GSAT-6A took off from the second launch pad in श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसरो ने GSAT-6A नाम के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कहां से, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और क्विक फैक्ट्स के बारे में जाने तो डॉक्टर के शिवन, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो के शिवन इज द चेयरमैन ऑफ इसरो। चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है, के शिवन। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसरो का, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर्स है। अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करें, पुरस्कार और सम्मान की बात करें, तो पुरस्कार और सम्मान में प्रेसिडेंट कन्फर्स गैलेंट्री अवार्ड्स एट द डिफेंस इन्वेस्टर्स सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित रक्षा निवेश समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किया। गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब वीरता पुरस्कार जो अनाउंस किया था थोड़े दिन पहले, उसको प्रदान किया। तो प्रेसिडेंट कोविंद प्रेजेंट 3 कीर्ति चक्र। देखिए शांति काल के अंदर सबसे सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। अशोक चक्र के बाद दूसरे नंबर पे आता है कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र दिया, उसके बाद आता है शौर्य चक्र। तो 17 शौर्य चक्र दिया, 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM दिया, 1 उत्तम युद्ध सेवा मेडल एंड 22 अति विशिष्ट सेवा मेडल। ये सारे मेडल्स वीरता पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए। These awards were announced on the eve of Republic Day. ये सभी अनाउंस जो किए गए थे Republic Day को किए गए थे, 26 जनवरी से पहले किए गए थे। और प्रदान कब किए गए, तो रिसेंटली किए गए। कीर्ति चक्र इज द सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड आफ्टर अशोक चक्र, प्रेजेंटेड फॉर वेलोर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल। तो ये एक बहादुरी का पुरस्कार है जो अशोक चक्र के बाद दूसरे नंबर पे आता है शांति काल के समय में, पीस टाइम के समय में। कीर्ति चक्र वॉज प्रेजेंटेड टू CRPF कमांडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। कीर्ति चक्र जिनको मिला वो नाम जरूर याद कर लीजिए। कीर्ति चक्र वॉज प्रेजेंटेड टू CRPF कमांडेंट चेतन चीता
and Major Vijayant Bisht of the 4th Battalion of Jammu and Kashmir Light Infantry, or Major David Manloon of 164 Infantry Battalion of the Naga Regiment was honored posthumously with the Kirti Chakra. So, teen logon ko Kirti Chakra diya gaya, kinko kinko? Chetan Chita ko, Major Vijayant Bisht ko, aur Major David Manloon ko कीर्ति चक्र अवार्ड दिया गया. और यहां पर कौन कौन मौजूद थे? रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी एंड यूनियन डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये सभी इस सेरेमनी में मौजूद थे. और उसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो टू इंडियन एक्टिविस्ट मृणालिनी दयाल एंड योगेश कुमार हैव बीन सिलेक्टेड अमंग 20 फाइनलिस्ट फॉर द कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड्स 2018 फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर इक्वालिटी. तो देखिए यहां पर दो भारतीय कार्यकर्ताओं मृणालिनी दयाल और योगेश कुमार का चयन 20 फाइनल के लिए किया गया है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2018 के लिए लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी के लिए काम किया और उनके योगदान के लिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है. तो मृणालिनी दयाल एंड योगेश कुमार हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस 53 कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज. तो राष्ट्रमंडल देश, कॉमनवेल्थ देश उसको बोलते हैं जहां जहां ब्रिटिशर्स ने राज किया था, और वो 53 कंट्रीज कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर्स हैं जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है. तो उन 53 देशों के अंदर हमारे इंडिया के दो पर्सन्स को चुना गया है जिनके नाम है मृणालिनी दयाल और योगेश कुमार. तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसके बाद अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड्स, ये तो सारी डिटेलिंग है जिसके अंदर आपको सिर्फ दो नाम याद करने हैं, मृणालिनी दयाल और योगेश कुमार. और अगर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की बात करें, जैसा मैंने बताया कॉमनवेल्थ नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, लंदन के अंदर है. इनकी हेड कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड, मतलब जो भी क्वीन और किंग होंगे इंग्लैंड के वो उसके हेड होंगे. और सेक्रेटरी जनरल कौन है? पेट्रिशिया स्कॉटलैंड. कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन, इनकी हेड कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड. सेक्रेटरी जनरल का नाम पेट्रिशिया स्कॉटलैंड. स्पोर्ट्स खबरों की तरफ चलेंगे तो ये आखिरी न्यूज है, इसके बाद क्विज सेक्शन की तरफ चलेंगे. तो कल ही हमने इसकी बात करी थी कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर और उसके अलावा बेन क्रॉफ्ट, ये तीन प्लेयर्स को बैन किया गया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब इन्होंने गेंद के साथ छेड़छाड़ करी, सैंड पेपर का इस्तेमाल करके गेंद को खराब करने की कोशिश करी. तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दौरान बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने से प्रतिबंध लगा दिया गया 1-1 साल का. तो दोनों प्लेयर्स के ऊपर, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के ऊपर 1-1 साल का प्रतिबंध लगा है, और जो युवक खिलाड़ी थे बेन क्रॉफ्ट उनके ऊपर 9 मंथ्स का एक बैन लगा है. और उसके बाद अगर बात करें तो स्टीव स्मिथ और ये सारे न्यूज मैंने कल भी डिस्कस किया था और ये सारी बातें उसी के बारे में लिखी हुई है. डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ 1 साल का बैन, और कैमरून बेन क्रॉफ्ट जो बैट्समैन ओपनर बैट्समैन उनके ऊपर 9 मंथ्स का बैन. तो अबाउट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इनके ऊपर ये बैन लगाया है 1905 में, ये फाउंड किया गया, चेयरमैन इनके डेविड पीवर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जेम्स सदरलैंड. तो आगे जानेंगे क्विज के बारे में, तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए यहां पर. बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स के व्यूज देखने की कोशिश करता हूं और जल्दी से जल्दी चलिए जरूर. आनंद आर्यन जी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर भी क्लास हम जो है, बहुत बढ़िया, हम यहां पर ये क्लास जो है जरूर लेकर आएंगे. और अब हम क्विज की तरफ बढ़ चलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस लाइव सेशन को शेयर करिए. और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहां पर ओपन किया गया हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. चलिए चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आना शुरू हो चुका है. आरजे यहां पर अलवर आंसर दे रहे हैं, जुगराज संधू बी बोल रहे हैं, सुखविंदर इसेवाल बी बोल रहे हैं, रंजन यादव, पन्ना लाल, अभिषेक कुमार, कैलाश साहू, रुबीना ताखी, आरजे, कपिल देव, पूजा यादव, सुमित दास, सूरज प्रसाद, मामूनी खुंगरी, अभिषेक कुमार, पूजा यादव, नीरज दहिया, आनंद आर्यन, मिस्टर सतनाम, प्रदीप गुप्ता, सुखविंदर, गुरमीत, संजीव, अतुल, जॉनी त्यागी, सौरभ कुमार, फातिमा, विजय भौमिक, आबिद हुसैन, पुलक नाथ, कुंदन, सौरभ कुमार, रोमन सिंह, अमित राणा. बहुत बढ़िया आप सभी का यहां पर पार्टिसिपेशन जो है, और यू ऑल आर राइट माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स.
और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज अजमेर डिस्ट्रिक्ट. तो कुछ लोग अलवर बोल रहे थे, कुछ अलग आंसर कर रहे थे, बट द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज बी, दैट इज अजमेर डिस्ट्रिक्ट. तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ गांव अजमेर में खोला गया है बाय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. हु इज द प्रेजेंट सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर? तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है? ईपीएफओ के एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है? जल्दी से बताइएगा. यहां पर भट अशरफ, महेंद्र सिंह खरेपा, विजय भौमिक, चांदी चरण गौन, अनामिका जामवाल, रेणुका सुमारिया, आप अभिजीत हल्दर, आप सभी का उत्तर सही है. पहले क्वेश्चन का आंसर इज बी, लेकिन अब आपको आंसर देना है सेकंड क्वेश्चन का. तो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. और यहां पर सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आना शुरू हो चुका है. शरद नायक, पूजा यादव, अश्विन, रूबीना ताकी, कुंदन, अनिल राजपूत, सांबा शिवा, फारूक, बहुत बढ़िया, पूर्णिमा ओझा, गुरपाल प्रसाद, चलिए बहुत बढ़िया, मंजीत दलाल, विजय भौमिक, अनिल राजपूत, अभिजीत हल्दर, आशुतोष सिंह, जॉनी त्यागी, दीपक पाल, श्रेया गुप्ता, मार्गदर्शन, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही जा रहा है. सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज डॉक्टर वीपी जॉय. तो वीपी जॉय इज द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एट प्रेजेंट ऑफ ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेशेल्स? सेशेल्स की कैपिटल बतानी है आपको और जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. रंजन यादव, रीबा, गुरपाल सिंह, कौशल लालूरी, सोनू सहरान, हरजोत कौर संधू, रोमन सिंह, पवित्रा व्यापारी, निलेश वसनिक, दिनेश प्रस्ती, सौरभ कुमार, राजेंद्र सिंह, भट्ट अशरफ, सनी कुमार, सुखविंदर इसेवाल, कौशल लॉलरी, मतलब बहुत सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया है. सोनू सहारान, सुभाष कुमार, प्रदीप गुप्ता, जुगराज संधु, यू ऑल आर राइट एंड यू आर गोइंग वेरी वेरी राइट. चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर सभी का, संदीप सिंह, तो मैं सभी के नाम लेने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपकी हौसला अफजाई हो सके और आपके अंदर कंपटीशन की भावना जो है वो आए. और इसी के साथ देखिए बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेशेल्स? तो सेशेल की कैपिटल इज सी. थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, विक्टोरिया. उसके अलावा जो और अदर ऑप्शंस थे उनकी कैपिटल भी मैंने लगे हाथ बता दी आपको. तो विक्टोरिया इज द कैपिटल ऑफ सेशेल्स, लेकिन मेडागास्कर के कैपिटल इज एंटा नानाविरो, पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस एंड कॉमोरस की कैपिटल इज मोरोनी. तो यहां पर सभी के आंसर्स मैंने दे दिए हैं, लेकिन राइट आंसर फॉर सेशेल इज विक्टोरिया. थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. नेम द चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम बताइए जल्दी से. महेंद्र सिंह खेरपा, अभिजीत हल्दर, रोमन सिंह, रंजन यादव, सनी कटोच, गुरपाल सिंह, रोशन त्रिपाठी. रोशन त्रिपाठी जी बहुत बहुत आपका सही आंसर है और आपका पार्टिसिपेशन काबिले तारीफ. और सभी स्टूडेंट्स जो है, प्रियंका प्रसाद जी बहुत बहुत बढ़िया, गुरपाल सिंह, अश्विन, तो यहां पर सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं. तो सेबी के चेयरमैन का नाम बताइए और नाम आने शुरू हो चुके हैं. अभिषेक कुमार, सुखविंदर इसेवाल, पन्ना लाल, विकी, रुबैना, आबिद हुसैन, हर्षद पटेल, फारूख लोन, संजू, चलिए तो बहुत बहुत बढ़िया. यहां पर गजेंद्र सिंह, ऋचा सिंह, विजय भौमिक, अमरजीत, चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर उत्तर सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है. दे ऑल आर राइट. फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज अजय त्यागी. फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज अजय त्यागी. तो मतलब सेशन आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है. हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ का नाम बताइए. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं जल्दी से इसका आंसर दिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप यहां पर जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. आरजे बहुत बहुत खूब आप यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अतुल शुक्ला, राजेंद्र सिंह, रेणु, बहुत बढ़िया, चलिए तो बहुत बढ़िया, आप सभी के उत्तर यहां पे आ रहे हैं, आंसर्स यहां पे आ रहे हैं. चलिए गर्व लालवानी, अनिल राजपूत, रुबैना शेख, कुंदन, आप सभी के उत्तर जो है बिल्कुल सही है यहां पर. और चंदा कोचर इज द राइट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज चंदा कोचर. सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम. और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, who has been appointed as an acting chairperson of NGT? National Green Tribunal के acting chairman किसे बनाया गया है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. और बहुत बहुत सही आंसर आप सभी का आ रहा है यहां पर. अमित राणा, दिनेश प्रस्ती, रेणु, सुमरिया, गजेंद्र, संदीप सिंह, गुरपाल, सनी कटोच, पुलक नाथ, चलिए बहुत बढ़िया, फिरोज खान, बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर आ रहा है यहां पर. लेकिन अब हमें आंसर देना है
सिक्स क्वेश्चन का, तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा आप यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, सिक्स क्वेश्चन का आंसर भी आना शुरू हो चुका है और सिक्स क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर इज जस्टिस जावेद रहीम, तो बिल्कुल सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, एब्सोल्युटली सी, जावेद रहीम इज द राइट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन आइकन फॉर कर्नाटका असेंबली पोल, कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन, स्टेट असेंबली इलेक्शन आइकन किसे बनाया गया है, विराट कोहली, शिखर धवन, सौरव गांगुली या राहुल द्रविड़ को, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर आ रहा है सिक्स क्वेश्चन का, लेकिन अब हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अब आपने देना है यहां पर, और बिल्कुल सही आप सभी का पार्टिसिपेशन जो है, और जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। सिक्स क्वेश्चन का आ चुका है, सेवन क्वेश्चन का आंसर अब हमें चाहिए, सेवन क्वेश्चन का भी आंसर आना शुरू हो चुका है और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यहां पर उत्तर आ चुका है आप सभी का। सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राहुल द्रविड़, द वॉल, द वॉल के नाम से इनको जाना जाता था, राहुल द्रविड़, बहुत ही जेंटलमैन क्रिकेट ये और क्रिकेट खेलते थे, टेस्ट प्लेयर, नंबर वन टेस्ट प्लेयर राहुल द्रविड़ इज द स्टेट आइकन बनाए गए कर्नाटका असेंबली पोल्स के लिए। देन विच सैटेलाइट हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च बाय इसरो, GSLV F08 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से रिसेंटली किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अब आ जाना चाहिए, बिल्कुल आनंद आर्यन जी, हरजोत जी, महेंद्र, गर्जेंद्र, सन्नी, अफी, दियोज, महेंद्र, मुकेश, सनी, रेनु, प्रदीप, गुरपाल, पवित्र, रंजन, आरजे, जीतू, दोरा, अनामिका, पवित्र, मनीष, चलिए बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर। और यहां पर आठवें क्वेश्चन का भी आंसर धड़ाधड़ आना शुरू हो चुका है और आंसर की एक तरह से बाढ़ आ चुकी है कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स के अंदर, बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन जो है। और बिल्कुल राइट आंसर, आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज GSAT 6A। तो इसी के साथ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं और हम बढ़ते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। दो स्टैटिक जीके मतलब विदाउट ऑप्शन आपको आंसर देना है, तो ये किस चीज के लिए स्टार्ट किया गया है कि ऑप्शन के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहे, आपको वैसे भी आंसर आना चाहिए, तो स्टैटिक जीके के अंदर ऑप्शन नहीं डालूंगा, आपको वैसे ही आंसर बताना है। हु इज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की हेड कौन है, जल्दी से बताइएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की हेड कौन है, जल्दी से इसका उत्तर। तो आठवें क्वेश्चन का बिल्कुल मनीष द्विवेदी जी, बहुत सही आपका आंसर आ रहा है और बहुत सही। तो चलिए आपको बताना है स्टडी जीके के अंदर, हु इज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्रमंडल देशों के हेड कौन है। और यहां पर अब हम अपने सेशन के अंत में पहुंच चुके हैं और उसके बाद आज के अगले क्वेश्चन के बाद बढ़ने के बाद, शुभ संदेश की तरफ बढ़ने के बाद हम आज के सेशन का अंत करेंगे। और बिल्कुल सही, एलिजाबेथ सेकेंड इज द राइट आंसर, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की हेड। लास्ट क्वेश्चन, नेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताइए, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है उनका नाम बताइए आप, जल्दी से बताइएगा नाम यहां पर। क्वीन एलिजाबेथ इज द राइट आंसर, फारूक लोन, अमरजीत, मनीष द्विवेदी, बहुत बढ़िया, परमवीर सिंह, अमित राणा, आशुतोष बबलू, अतुल शुक्ला, प्रधान मंडी, बहुत बढ़िया, बैंकिंग विद यू जो आपका यूजर नेम है, बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर, मिस्टर सतनाम, चलिए तो यहां पर ये भी राइट आंसर आ चुका है, ओम प्रकाश रावत। तो ओम प्रकाश रावत के बाद आज के शुभ संदेश की तरफ बढ़ते हैं और आज के सेशन का अंत करेंगे। तो आज का सेशन का अंत जो है इस शुभ संदेश के साथ, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, B.R. अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था, मुझे वही धर्म पसंद है जो हमें सिखाता है समानता, ठीक है, आजादी और भाईचारा, मैं उसी धर्म को पसंद करता हूं जो ये तीन बातों को लेकर चलता है। तो बी आर अंबेडकर के द्वारा ये कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात कही गई थी। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, हम अगले दिन जरूर मिलेंगे, मतलब कल सुबह 8 बजे हमारी मुलाकात जरूर होगी करंट अफेयर्स द वेकअप शो के साथ। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।